Good morning, students. How are you doing all? Now I am doing the revision of your next chapter called Computer System. This chapter is a little large chapter, so I have broken this chapter into two parts. The first part I will give you explanation and the details today. But the next part and the remaining part will be in the next. In the next part, you will get more about the computer memories and all about the things, types of computers and the arena around the computers, the related the to a little bit towards the internet. In this chapter, let's start what is a computer. But a computer jo word hai wo ek simple bachcho ke liye kya hai bahut sare acronyms bana rakhe hain. It's not wrong, bana sakte ho aap. The word computer is derived from this compute. एक्चुअल में कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से एंड इसका मीनिंग क्या होता है टू कैलकुलेट. सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस इज अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बट दिस परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो आपके इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी फीड हैं उनके थ्रू कर सकते हैं. वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कर सकता है. हैंडल मल्टीपल टास्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, बजट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, इम्पार्टिंग एजुकेशन, हम लोग सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं बेटा. एयरलाइंस, रेलवेज, बुकिंग्स, वेदर फोरकास्टिंग, सारे काम कर सकता है. अब एक्रोनिम जो है वो बनाया गया कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च. ये बेटा स्टार्टिंग का नहीं है, बाद में इसको जस्टिफाई करा गया. एक कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड रिसर्च. ये आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ बेटा. ये इससे कॉमनली ओरिएंटेड, कॉमन ओरिएंटेड मशीन. अब आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. इसकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है इसकी स्पीड. जो काम कोई भी आदमी आवर्स में, डेज में, मंथ में कर सकता है, इट कैन डू इन ए वेरी क्विकली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकता है, माइक्रो सेकंड्स की जो है में भी कर सकता है आपका काम. तो इसकी स्पीड जो है वो मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में भी आपकी मेजर की जा सकती है. ठीक है, अगला है एक्यूरेसी. ए पर्सन कैन मेक ए मिस्टेक, कंप्यूटर कांट. इट वर्क्स एग्जैक्टली विद ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी. कितनी भी प्रॉब्लमेटिक वर्क हो, इफ देर आर इश्यूज, इट मीन्स द डेटा इज रॉन्ग और इंस्ट्रक्शंस आर रॉन्ग, अदरवाइज कंप्यूटर इज राइट. सो देर कैन नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द थिंग्स रॉन्ग. रिलायबिलिटी, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है कंप्यूटर नहीं. रिलायबल है, इट कैन नॉट गेट टायर्ड, बोर नहीं होता है. सेम टाइप का काम इससे कई कई बार करवा लो, 100 times करा लो, 1000 times करा लो, इट डजंट गेट बोर्ड, नीदर इट गेट टायर्ड. रिलायबल है आपका, इट डजंट आस्क फॉर रेस्ट इवन. और ऐसा नहीं है कि बार बार काम करेगा तो मिस्टेक करना शुरू कर देगा. इट विल डू इन द सेम एक्यूरेसी. Now coming to next part, storage capacity. आपके बैग में कितने बुक्स आ सकती हैं? 2, 5, 7, 10. अलमीरा में 100, घर में 500, 1000, लाइब्रेरी में 5000, 10000, और छोटी सी कंप्यूटर की चिप में यू कांट इवन थिंक ऑफ. 1 TB की पेन ड्राइव में कितना डेटा आ सकता होगा, कितनी बुक्स आ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते. इट कैन बी न्यूमरस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर. ग्राफिक्स, आपने तो देखा ही है, एक छोटी सी सीडी होती है, पूरी मूवी होती है उसमें. वर्सेटाइलिटी, बहुत तरह का काम कर सकता है. आपसे कह दिया जाए कि बेटा आज 6 के बजाय 8 सब्जेक्ट पढ़ने, यू स्टार्ट गेटिंग टायर्ड. क्यों, हम अभी तो पढ़ के उठे, अब और नहीं कर सकते. बट सेम कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क.
आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, साथ साथ वीडियो भी देख सकते हैं, उसी कंप्यूटर में एमएस वर्ड का काम भी कर सकते हैं, एक्सेल का भी काम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। ह्यूमन पावर का रिडक्शन कर दिया गया बिकॉज इट कैन डू मोर एक्यूरेट वर्क इन लेस टाइम। तो आपकी बैंक्स में, इंडस्ट्रीज में, सब में धीरे धीरे फ्यूअर पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब। पहले जो काम चार लोग करते थे, द सेम वर्क इज डन बाई वन पर्सन नाउ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। पेपर वर्क, पहले क्या होता था, लोगों के पास फाइल की फाइल ऑफिस में होती थी, आप कुछ है ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखा हुआ है, बैकअप रख लो बस। तो फाइलों का, पेपर वर्क का जो काम बहुत कम हो गया है। हाँ, अभी भी चल रहा है बिकॉज गवर्नमेंट में देर आर नॉर्म्स, सो हेंस वी आर डूइंग, बट द थिंग्स विल बिकम चेंज एज वी विल कीप ऑन गोइंग टू डिजिटल वर्क, इट विल बी चेंजिंग मोर एंड मोर। तो पेपर वर्क गेट रिड्यूस्ड, तो नेचुरल सी बात है, प्रिंटर की कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट, आपके लिखने का टाइम, सब कुछ बच गया। बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ टू थिंग। आप सोच सकते हैं कंप्यूटर कांट थिंग, इसीलिए इट कैन नॉट बी ओनली ए कंप्यूटर वर्ल्ड, ह्यूमन इज मैंडेटेड टू बी देयर। ह्यूमन हैज इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर डजंट हैव इंटेलिजेंसी। यू मे से कि सर हमने तो नाम सुना है कि रोबोट होता है, यस इट इज देयर, इट वर्क ऑन इंटेलिजेंसी, यस इट वर्क्स, बट दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डेवलप करी गई है, कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंप्यूटर है, रोबोट है, उसमें डेवलप करा गया है कि आप एक रेस्टोरेंट में काम करना है, लोगों को मील सर्व करना है, लोग जिस टाइप के इंस्ट्रक्शन मांगे, जिस टाइप का मील मांगे, उस टाइप का मील देना है, उसी टाइप से इसको बिलिंग करनी है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन वहाँ पर न्यूसेंस करे तब क्या करना है, ये इंटेलिजेंस उसको नहीं दी गई, तो कंप्यूटर और या रोबोट उसको हैंडल नहीं कर सकता। ए ह्यूमन कैन हैंडल, ही कैन कॉल पुलिस, ही कैन फाइट, ही कैन टॉक, ही कैन डिस्कस, ही कैन इन्फॉर्म, बट कंप्यूटर कांट। सो एबिलिटी थिंक करने की बहुत लिमिटेड है, अदरवाइज कंप्यूटर वुड हैव बीन रूल्ड टू द पीपल। पावर पे डिपेंडेंसी है, नो पावर नो वर्क। जैसे हम लोगों को काम करने के लिए खाना चाहिए, इसका खाना क्या है, पावर। तो पावर जो है वो डिपेंडेंसी है। अब इस कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पहला यूज़ होता है बेटा मिलिट्री में, इसका डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स डिफेंस के लिए जो आपके होते हैं, वहाँ पर आपका इसका यूज़ होता है मिलिट्री। अगला यूज़ है बेटा इसका बैंक्स में, तो बैंक्स में क्या यूज़ होता है, आप अगर किसी भी बैंक में जाए, हर बंदे के आगे, हर पर्सन के आगे कंप्यूटर ज़रूर होगा, क्यों, दे आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग ऑन द ऑनलाइन, एवरी डेटा दे आर सीकिंग ऑन द कंप्यूटर। अदरवाइज पहले क्या होता था, हर काम के लिए दे आर सर्चिंग ऑन द फाइल्स, बहुत सारी फाइलें रखी उनमें सर्च करना पड़ता था, बट नाउ एवरीथिंग इज देयर, एटीएम मशीन है, सब जितना भी है सब कंप्यूटर में चल रहा है। इसी के साथ आपका बेटा रिसर्च में, रिसर्च में भी इसका बहुत यूज़ होता है, कैसे, कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग ए न्यू सैटेलाइट, लाइक अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग जो होती है, वेदर फोरकास्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्ट है आपका, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कंप्यूटर से ही हमें मिलता है। ओके, अब इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विल सी मोर ऑन दिस। एजुकेशन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टीचिंग स्लोली रिवोलाइजेशनिंग आर एजुकेशन सिस्टम। बहुत टाइप के, इवन आप आज की डेट में जितना भी है कंप्यूटर एडेड लर्निंग ही कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, वी सेंड इट द लिंक्स टू यू, वी आर स्टडी। कुछ स्कूलों में लाइव आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, जैसे जूम ऐप के थ्रू, वो भी आपका बेनिफिट है। इसी तरह से यूट्यूब से भी लोग पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो, ये ऑल आर द ई लर्निंग पार्ट, दिस ऑल आर ई लर्निंग्स, इवन एग्जाम्स आर कंडक्टेड थ्रू ई लर्निंग्स।
ऑनलाइन एग्जाम आईआईटी का जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसे हम जेडब्ल्यूई कहते हैं, दैट इज ऑल्सो डन थ्रू ई लर्निंग एजुकेशन. नाउ मीडिया एंड कम्युनिकेशन. मीडिया एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर हैव प्लेड ए मेजर रोल इन रिवोल्यूशन द कम्युनिकेशन सिस्टम. आज की डेट में आपका एक तरफ प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तरफ कोई न्यूज़ बनती है, एक तरफ कोई इंफॉर्मेशन आती है, अक्रॉस द ग्लोब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट गेट स्प्रेड इट आउट. सो मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ईमेल, एसएमएस, चैटिंग, केबल टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स. MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस. ये फुल फॉर्म याद रखना बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. दिस ऑल्सो अलाउज एडिटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ साउंड. आप एक साउंड के ऊपर दूसरे साउंड कंपोज कर देते हैं और इस तरह से आपकी एक मिक्सचर ऑफ साउंड बन जाती है. तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, मूवीज में, इन सब में आपका कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली. देन योर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट. आज के डेट में एक आदमी क्राइम करता है, दे यूज फोन, दे यूज इंटरनेट, दे यूज फेसबुक, दे यूज थिंग्स एंड फ्रॉम हियर एंड देयर द इंफॉर्मेशन आर कैप्चर्ड वेरी इजीली. इसके अलावा आपका स्किन, हेयर, ब्लड सैंपल, ये जो कलेक्ट होते हैं जिसको हम आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, CBI आपके इन्वेस्टिगेशन यूज़ करती है टू कैच द क्रिमिनल्स. इससे आपका ट्रैफिक पुलिस यूज स्पीड कैमराज, कि लोगों की जो ओवर स्पीडिंग होती है, झूठ नहीं बोल सकते कि मेरी स्पीड कम थी, बिकॉज कंप्यूटर हैज कैप्ड एंड कैप्चर्ड द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट. So, based on education as well as entertainment, with the help of computers, the family members can have easy access to game, music, movies, email, chatting, and even do research for their project and assignments. They can also watch television on their computers. So, ये सब चीजें जो है entertainment की वजह से हो रहा है. All this, Hotstar का नाम सुना होगा आपने, entertainment से. Jio TV चल रहा है आपका. इसी तरह से हर चैनल अपने निकालता है, दो सारा entertainments. बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटीज आर इम्प्रूवड ए लॉट फ्रॉम द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज टाइम इज सेविंग, एक्यूरेसी इज देयर, मोर कंट्रोल इज देयर, वाइडर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. यू कैन सी आज की डेट में आप लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इन सबसे, मैंत्रा से, इन सबसे क्या करते हैं, जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, आराम से आपका सब काम हो रहा है because of computer. Now coming to your animation and films. Movies आपकी जैसे Jurassic Park आई थी, Godzilla आई थी, Avatar आई थी, Happy Feet आई थी आपका, इन सब में इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है. और अभी आपका बता बाहुबली, उसमें तो बेहद यूज़ हुआ है. All this because of animation and films. Those are not the real things. Kung Fu Panda वगैरह सब animation. All this because of computer. This is the beauty of computer. They have made it live. Commercial use, आपका billing system, shopping mall में, hotel system, सब because of computer it is possible. Booking हो जाती है आपकी. Engineering and manufacturing में, smallest mistake it can identify. It can design to the minutest level using CAD and CAM. CAE, computer aided engineering बहुत use होती है. Car में, plane में, इस तरह की चीज़ों में बनाने में, इनके designs बनाने में, robots की help से. The things are very, very highly efficient. Sports में, now it's not no more like simple sports as it was earlier. It's not only. Now before doing the actual work of things, we do the planning, and that is because of computers. The sports equipments used at least first tested on the computer. वो equipment सही होंगे नहीं होंगे, इनकी testing computer पे हो जाती है. मेडिकल साइंस में, जब हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, देन इट गोज अप टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक योर ऑल द फील्ड्स ऑफ टेस्टिंग, लेबोरेटरीज, सीटी स्कैन, ECG, अल्ट्रासाउंड, इवन सर्जरीज आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपके इनकम टैक्स, एयरलाइंस, ये सब चीज़ें जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, टेलीफोन बिल्स, रेलवेज, all these are doing everything because of computer.
they are getting benefits from the computers for the accuracy, for the fastest calculation, for the broader calculations. Library and museums, you may not be able to realize it very easily because आज की डेट में बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी कहाँ जाते हैं, है भी कहाँ इतनी लाइब्रेरीज, स्कूल में जो लाइब्रेरी है दोज आर स्मॉलर लाइब्रेरीज, बट फॉर ए लार्ज लाइब्रेरीज इन लार्ज मेट्रो सिटीज वी हैव ए लार्ज लाइब्रेरीज टू मेंटेन द स्टॉक्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडियाज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज, इन द फॉर्म ऑफ सी डी डी वी डीज, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड द मैगजीन्स, इन सब का पूरा इंडेक्सिंग, सर्चिंग, पूरा डिटेल्स दैट इज मेंटेन ऑन द कंप्यूटर. मोबाइल कंप्यूटिंग, सब कुछ मोबाइल की दुनिया तो हो ही चुकी बच्चों. नाउ मोबाइल कंप्यूटिंग इज टेक्नोलॉजी वेयर यू आर एबल टू ट्रांसमिट वॉइस, वीडियो, डेटा. हम सब आपको कैसे करके दे रहे हैं, सब मोबाइल की हेल्प से. दिस बिकॉज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. स्मार्टफोन, एक ही फ़ोन में सब कुछ कर सकते हैं आप. वो आपका कैमरा भी है, वो आपका वीडियो रिकॉर्डर भी है, हैंडीकैम भी है, वही आपका सेल फोन भी है, इंटरनेट डिवाइस भी है आपकी, गेमिंग का भी है वो, लर्निंग का भी है, एवरीथिंग इज एट वन प्लेस. सो दैट इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. टेबलेट कंप्यूटर दे आर नॉट वेरी लाइक पॉपुलर, बट स्टिल अप टू सर्टेन एक्सेस दे आर पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड टच स्क्रीन के पर्पज से. पीडीए ओल्डर डिवाइस हो गई, कंप्यूटर तरह से काम करती थी, ये बहुत कॉम्पैक्ट होती थी, पॉकेट में रखी जाती थी, बट अब इसका जो है कोई बहुत यूज़ नहीं रह गया. पब्लिशिंग में, बुक पब्लिशिंग में इसका बहुत यूज़ है कंप्यूटर्स का. बिफोर वी डू एक्चुअल प्रिंटिंग वी डू द कंप्लीट थिंग्स, डिजाइन एवरीथिंग इन वन फॉर्म. वंस इट इज फाइनलाइज देन ओनली वी डू वेस्ट ऑफ पेपर, अदरवाइज देर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ पेपर्स. एक बैनर्स बनाने हैं कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, आपके डिजाइंस करने हैं, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू होता है. इवन आपकी ई बुक्स बहुत चल रही है, अमेजन किंडल पे आपको खूब मिलेंगी बुक्स. डेली लाइफ में आप जो है चैटिंग करते हैं फेसबुक पे, आपका जो है इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम पे, ये सब कैसे करते हैं, सब आर बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, इट हैज टू पार्ट्स, एन हार्डवेयर एंड ए सॉफ्टवेयर. द हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज. फोर टाइप डिवाइसेज आर देयर, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट. फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेज आर देयर, लाइक मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, चिप्स, ये सब आपकी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं. एंड सॉफ्टवेयर, दीज आर द प्रोग्राम्स ओनली विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ दीज डिवाइसेस. तो सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच डज कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज. हार्डवेयर डिवाइसेज दे कांट डू एनी वर्क विदाउट हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन हार्डवेयर. देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन अबाउट सॉफ्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बाद में बताऊंगा, बट अभी आपके लिए बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर ए कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम नो कंप्यूटर कैन वर्क. द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, बट अदरवाइज फॉर योर स्मार्टफोन इट इज एंड्रॉयड, फॉर अदर फोन्स इज लाइक iOS, और यू कैन से लाइक यूनिक्स, लिनक्स, दीज आर ऑल्सो मैकबुक. एप्पल की जो मैकबुक आती है उसमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मोस्ट ऑफ दीज आर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप टच से, क्लिक से काम कर सकते हैं. लेकिन देर आर CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ पे लोग टाइप करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं. फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, इट एक्सेप्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा, स्टोर्स द डेटा एंड गिव द आउटपुट. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाई वन ऑफ दीज इनपुट डिवाइसेज. A computer accepts the input by the user in the form of instructions or data. आप क्या करवाना चाहते हैं, those are instructions. किस पे काम करवाना चाहते हैं, that is data. तो instructions are commands and data is the values जिस पे काम होना है. और जो आपके instructions आपके देते हैं उनको हम कहते हैं program. Processing, ये जो instructions execute होते हैं, जब ये एग्जीक्यूट होते हैं
किस पे एग्जीक्यूट होंगे, अनऑर्गेनाइज डेटा पे, जिससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है, तो रिपोर्ट कार्ड जनरेट के लिए आपके डेटा क्या आते हैं, हर सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, दैट्स योर डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, जिसको प्रोसेसिंग क्या करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर करेगा, किसमें बनाने में, आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने में। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, अब आपका जनरेट करके दे दिया बट कहीं स्टोर नहीं हो तो दोबारा नहीं मिल सकता, तो इसलिए स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू यूज इट फर्दर, एज वेल एज रिट्रीवल इज रिक्वायर्ड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट बैक। ऐसा नहीं स्टोर करते उसके बाद दोबारा निकाल नहीं सकते, स्टोरेज एंड रिट्रीवल बोथ आर रिक्वायर्ड, जो कहाँ पर होता है, मेमोरी में। आउटपुट आपका जो है, देर आर टू टाइप्स, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो जो हमें दिखाई देता है आउटपुट, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। अब वो मॉनिटर पे दिख रहा है, मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है, सब आपकी सॉफ्ट कॉपी है। आप इसी का प्रिंटआउट अगर ले लेते हैं, देन इट बिकम्स द हार्ड कॉपी। एक एग्जांपल इसको आप पढ़ लेना बेटा, सिंपल है। नाउ अगेन कमिंग टू योर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट यूनिट में आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा बाद में, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसमें इनपुट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कीबोर्ड और माउस, ये सब जो आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सीपीयू इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे। दिस इज द मेन यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, जैसे आदमी का मेन यूनिट क्या है, ब्रेन है, इसी तरह दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन से। इट डज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, सबको कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन तो जैसे 2+5, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दिस थिंग्स आर लॉजिकल ऑपरेशन, विच दिस इज राइट और दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग और दैट इज रॉन्ग, जहाँ चॉइस बेस्ड होता है, कंडीशनल बेस्ड होता है, और इसी के साथ साथ इसका रिपीटेशन होता है। ये बहुत ही स्मॉल चिप होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन के पीस पे बनी होती है, जिसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे आप मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12। माइक्रो प्रोसेसर जो है यही सारा काम करता है, और जिस तरह से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कितने एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में। क्लास 9th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा साउंड, उसमें आप पढ़ेंगे हर्ट्ज जो है इसे आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर होती है, वो आप क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ेंगे। बट अभी कंप्यूटर में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव पर सेकंड है, दैट इज कॉल्ड मेगाहर्ट्ज। नाउ कमिंग टू योर आउटपुट डिवाइसेस, देयर मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस विच लाइक योर विजुअल डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपके। मेमोरी यूनिट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी हम इसका पढ़ेंगे अगला पार्ट, सीपीयू के जो पार्ट्स है, दिस इज कॉल्ड, ये वाला मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सीपीयू का है, एक और मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, वो बाद में पढ़ाऊंगा बेटा। मेमोरी यूनिट में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज ए ब्रेन यूज फॉर स्टोरेज पर्पस। ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें सारी आपकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होता है, ये सारे कमांड्स का फंक्शनिंग का जो है, जो सीपीयू में हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीजें आपकी बेटा समझने वाली थी। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर बेटा, थैंक यू सो मच। I'll come up with the next part in next video.